सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। राष्ट्रीय यूथ कबड्डी प्रतियोगिता प्रताप स्कूल खरखोदा ने जीती। पहली राष्ट्रीय यूथ कबड्डी प्रतियोगिता जो कि 18 से 19 मई 2019 को मदर खजानी स्कूल मंगेशपुर दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें प्रताप स्कूल खरखोदा के खिलाड़ियों ने हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त कर हरियाणा राज्य, सोनीपत जिले, ब्लॉक खरखोदा और प्रताप स्कूल खरखोदा का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल खरखोदा की टीम ने फाइनल मैच में दिल्ली की टीम को 67-56 से हरा कर प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। प्रताप स्कूल खरखोदा को बेस्ट रेडर और सक्षम को बेस्ट ऑलराउंडर का इनाम मिला। सभी विजेता खिलाड़ियों का विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर विद्यालय प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य, कबड्डी कोच सुरेंद्र राठी, ओम प्रकाश, चांद सिंह और मुकेश खत्री ने फूल मालाओं और मिठाई खिलाकर खिलाड़ियों का स्वागत किया। सभी ने खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बधाई दी और भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का आशीर्वाद दिया। खिलाड़ियों ने अपनी जीत का श्रेय अपने कठोर मेहनत, कुशल प्रशिक्षण और प्रताप विद्यालय प्रबंधन समिति को दिया है, जिसकी देखरेख में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। खरखोदा से सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। दिल्ली से गोल्ड मेडल लेकर लौटे हैं, जहाँ पे यूथ नेशनल 2019 की टूर्नामेंट थी, हमें गोल्ड प्राप्त हुआ है। हमारे कोच साहब सोनू, मुकेश, चांद, सुंदर राठी कोच साहब ने हमें पदक जिताने के लिए हमारी गौरवा बढ़ाई है। हमारे पास 4 मिट्टी ग्राउंड है, 2 मैट है, जिसपे हम प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम। हमारे साथ वो बड़ा योगदान है प्रताप स्कूल का, हम उसमें पढ़ते हैं। हमारे अच्छे अच्छे गेम है वहाँ पे, हम अच्छे से गेम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सी टाइम टेबल जिसको कहते हो प्रताप स्कूल में मिल चुकी है। देखिए सर, जो प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखोदा है उसके अंदर हमारे पास 2 मैट हैं, मिट्टी के ग्राउंड हैं, और जो भी हमारे पास टेक्निक है, हर टेक्निक बच्चों को सिखाते हैं। हम हर प्रकार से पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर बैच को सिखा रहे हैं। छोटे बैच भी है, जूनियर बैच भी और सीनियर बैच भी, हर प्रकार से बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। और सबसे बड़ा योगदान तो प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल का है, जो कि पूरे यहाँ से प्लेयर राष्ट्रीय लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर तैयार होते हैं सर। उन्होंने यहाँ पर सर प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल ने की अपनी खुद की डेयरी है, यहाँ से दूध सीधा निकाल के, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, सीधा बच्चों को पिलाया जाता है। अच्छी अच्छी प्रकार की डाइट दी जाती है, जितना भी भरपूर जितनी भी डाइट होती है हर प्रकार से संतुलित भोजन खिलाया जाता है सर। तो भविष्य में आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? सर हमारा टारगेट अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक के प्लेयर तैयार करना, यही हमारा टारगेट है कि यहाँ से हम अच्छे से अच्छे प्लेयर निकाल के दे, हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाए। मुझे बहुत ही गर्व है, हमारी कबड्डी की टीम यूथ नेशनल में गोल्ड मेडल लेकर जीती है, और ये हमारे 4 कोच बहुत ही अच्छी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस कराते हैं, और ये खिलाड़ी भी पूरे उत्साह से अपनी प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। इन खिलाड़ियों के माता पिता विद्यालय को निरंतर अपना आशीर्वाद, जैसी भी हमें आवश्यकता होती है धन की और विचार की, सभी प्रकार की सुविधाएं माता पिता की तरफ से हमें मिलती है। प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल मैनेजमेंट का मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं यहाँ खिलाड़ियों के लिए दी है। उसमें डाइट का भी है, 450 गाय भैंसों की डेयरी है, जहाँ से दूध, दही, मक्खन और सारी की सारी मिठाइयाँ शुद्ध, और प्रताप जो फार्म है वहाँ पर देसी खाद से अनाज तैयार किया जाता है, सब्जियाँ तैयार की जाती हैं, और उससे शुद्ध सात्विक और एक बैलेंस डाइट इन छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। यहाँ पर छात्रावास में 657 विद्यार्थी वर्तमान में रह रहे हैं, और सभी बहुत ही अच्छे स्तर के अन्य 24 प्रकार के खेल हम करवाते हैं, सभी में इसी प्रकार की तैयारी करते हैं और निरंतर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ा रहे हैं।